कि आप लोग मेरे को नोनी गर्ल कह सकते हो इफ समवन रिमेंबर, बिकॉज मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो नोनी से हुई थी, क्योंकि मेरे को सीवियर इश्यू था माइग्रेन का, माइग्रेन जिसे कि भयंकर वाला माइग्रेन, अगर मैं कार में बैठ गई तो 15 मिनट के अंदर मेरे आधे सिर के अंदर दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी, पेन होना शुरू हो जाता था, अजीब से चक्कर आने शुरू होते थे। अगर मैंने फास्ट रख लिया तो मेरे को आधे पौन घंटे के अंदर कुछ खाने को अगर नहीं मिला तो मुझे पूरे आधे सिर में दिक्कत होने लगती थी। सेंसिटिव बचपन से इतनी हूँ, अपब्रिंगिंग ऐसी है कि सेंसिटिविटी ना ब्लड में ही आ गई, नेचर में तो है ही है, ब्लड में भी है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी इतनी थी कि अगर छोटा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो आंसुओं की टंकी शुरू, और आंसू पहुंचने के बाद पूरा सिर मेरा भारी, यानी कि कुछ मतलब सहन करने की ज्यादा हिम्मत मुझ में नहीं थी, ना दिमाग में ना शरीर में। तो ये सब चीजें थी मेरे साथ छोटी छोटी, तो इनको किसने इम्प्रूव करा है पता है? मुझे पता भी नहीं चला कि जब मैंने नोनी का इंटेक स्टार्ट किया तो मेरा माइग्रेन कहाँ चला गया विद इन 2 or 3 months। और ये मेरे को इश्यू था शायद 15-16 साल की जब मैं रही होंगी, तब मम्मी मुझे बताती है कि तुमको इतना पेन और फिर पट्टी वट्टी बांधना सीरियसली इतना ज्यादा होता था, और एक टैबलेट आती कॉम्बी फ्लेम, बस वही खाना होता था। मैं ढूंढती थी कि कॉम्बी फ्लेम कहाँ है, और मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि मायके में चल जाता है आसन पट्टी लेके आप पड़ जाओगे, बट आफ्टर मैरिज यू हैव टू लुक आफ्टर, है ना? तो आप आसन पट्टी लेके पड़ ही नहीं सकते, वो खराब लगता है, चाहे कोई आपको कुछ ना कहे पर इंटरनली फील होता है, राइट? और एक बीमारी को क्यों हम बढ़ाएं? तो फिर लकीली वेस्टिज मेरे लाइफ में आया, मुझे पता चला नोनी के बारे में, मैंने लिया, और सीरियसली मैं बोलूंगी 99.9% माइग्रेन कहाँ चला गया मेरे को पता ही नहीं है, वंस इन अ वाइल कभी हो जाता है, तो ये नोनी का रिजल्ट है मेरे पास। तो ये अमेजिंग मैं टेस्टिमोनियल हूँ। अब मैं इतना बोलती हूँ, कहते हैं कि माइग्रेन बोलने से भी बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बोलती हूँ कि माइग्रेन भी भाग गया, कि भैया छुटकारा मिले इससे मुझे।